我们会得荣耀把我们对给你们。और मैं इसे देख आता कि अभी बढ़ाना बाकी है, यहाँ आके खत्म तो नहीं होगी। कपाल के चार मिसरे हैं कि निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को, निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को, तरस गए हैं किसी मरते रास्ता के लिए, निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरजोर, यही है रब के सफर मीरे कारवा। जनाब शकील अहमद साहब, मेहमान खुदूति ए के खान साहब, अभी आपके सामने बहुत अच्छी तकरीर की महमूद साहब ने, और मेरे सीनियर अलीगढ़ का जो फाउंडेशन से बुनियाद कहते हैं विंडो सर्जरी के बहुत मशहूर प्रिंसिपल है मदन जवाब सिद्दीकी साहब, रजिस्ट्रार साहब, और खूबसूरत निजामत करते हुए अली साहबी साहब, और उसके बाद शाम मित्र और शबे शिराज के मतवालों, अपने और बहनों के चरण पे बराबर बरतने वालों, बहुत बातचीत तरीके से लपेटा शाम करने वालों, कर्मों का मुझे बहुत खुशी है कि मालूम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने और साथ ने मिलकर ये प्रोग्राम का एहतमाम किया है। मेरे दरमियान मेरे बहुत मेरे सीनियर इश्ताक भाई बैठे हुए हैं, और मेरे पहले स्टूडेंट रहे फिर बाद में लड़ने चली गए अफरोज साहब, जो आजकल डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के हेड हैं, एक अच्छे कॉलमिस्ट हैं, एक वेरी गुड पॉलिटिकल साइंटिस्ट, वही बैठे हुए हैं, और बहुत सारे लोग जो अलीगढ़ में। मैं एक बात की शुरुआत करूंगा, आपने रशीद और सिद्दीकी का नाम दिया था, महमूद साहब आपका ताल्लुक अलीगढ़ से फैमिली का, मैं खास करके ये बात कहना चाहता हूं कि रशीद और सिद्दीकी ने अपने एक मजमून में लिखा कि मैं जब भी किसी पब्लिक प्लेस पे किसी खुशगुफ्तार और खुश लिबास, अब महमूद साहब को देखें किसी खुशगुफ्तार और खुश लिबास आदमी को देखता हूं तो मुझे ये गुमान होता है कि इसका ताल्लुक अलीगढ़ में होगा। अक्सर मेरा गुमान सही साबित होता है कि उसका बराह रास्त ताल्लुक अलीगढ़ में होता है या किसी ने महल में या रिश्तेदारी में अलीगढ़ में पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं और उसके बावजूद अगर ये तमाम बातें ना हो, उसका ताल्लुक अलीगढ़ में कोई ना निकले और तमाम खूबियां पाई जाए जिसका मैंने जिक्र किया, उस शख्स को मुझे अफसोस होता है कि काश ये अलीगढ़ जाता तो फिर पता करता। मैं ये समझता हूँ कि मैं ये बात मशीन जेटी के हवाले से गई, मैं ये समझता हूँ कि आप जो है फुल ग्रोन पर्सन अवेलेबली ग्रेक्टर, बहुत अच्छी बातें आपने कही, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि रशीद सिद्दीकी का आपने जिक्र किया था, इसलिए मैंने भी रशीद सिद्दीकी का जिक्र कर दिया। सफीर के हवाले से चंद बातें आपके सामने रखूंगा चूंकि वक्त काफी हो चुका है। सबसे पहली बात देखिए, हिंदुस्तान में जंगी आजादी का आगाज 1857 से नहीं 1757 से होता है, बैटल ऑफ प्लासी से, जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ अलग अलग आवाज बुलंद किया और आप जानते हैं उज्जैन का नतीजा। 1757 से लेकर 1857 ईस्वी तक 100 साल मुसलसल हिंदुस्तानियों ने और बतौर खास मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ, जो दुनिया की सबसे बड़ी इस्तेमाली ताकत थी उस वक्त की, उसके खिलाफ मुसलमत जिहाद की। उन्होंने फतवे दिए अंग्रेजों के खिलाफ, जिहाद के फतवे थे, और शौके शहादत के प्रसार, जज्बे जिहाद के प्रसार मुसलमानों ने बड़ी तादाद में कुर्बानी दी, और अगर आप माने तो हमारे पास वो भी इंफॉर्मेशन है मुख्तलिफ सोर्सेज से कि 1857 की शोरिश के बाद ही 52,000 उलमा को कत्ल किया गया। ये कुर्बानी है इस मुल्क के लिए हमारी। सर सैयद अहमद खान बिजनौर में पोस्टेड थे, तारीख सरकशी जिला बिजनौर उन्होंने लिखी। सर सैयद अहमद खान ने तीन बहुत अहम पोलिटिकल टिकायत लिखी है जिन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए, तारीख सरकशी बिजनौर, असबाबे बगावत हिंद, और उसके अलावा रॉयल माउंटेन ऑफ इंडिया। ये सब एक्सक्लूसिवली पॉलिटिकल नेचर की देख रहे हैं,
और तीन मुरलियों और नैवेशन भी सबसे ज्यादा मौका लगा, क्योंकि सियासत में दिलचस्पी लेना हर जिम्मेदार आदमी की जिम्मेदारी होती है। और ये कहा जाता है कि आप जहां कहीं भी हो, सियासत में आपको दिलचस्पी हो या ना हो, सियासत को आपको दिलचस्पी है। सबसे ज्यादा मौका ये जानते थे कि जो मुल्क की सियासत जिस तरह से करोड़ चल रही है 1857 के बाद, अगर मुसलमानों को तमाम चीजों से अलग रखा गया और सिर्फ एक तरफ भाग दिया गया, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन कहते ये था हिकमत अमली के साथ चाहते ये थे कि मुसलमान अपनी बेजा जज्बातियत से मुतासिर होकर पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन ना करें, बल्कि पॉलिटिक्स ऑफ एकोमोडेशन एंड एडजस्टमेंट करें। महमूद साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, आज के तनाजुर में तरसीयत के ये पैगाम आपके सामने रहना चाहिए और उसी के मुताबिक जैसे हालात बदलते हैं सरसैयद हमेशा आपके लिए रेलिवेंट साबित होते हैं, उनकी मानियत बढ़ जाती है। 1857 के बाद का जो चैलेंज था उससे ज्यादा बड़ा चैलेंज आपके सामने नहीं है, यदि चैलेंज बड़ा है मैं इसे कभी अंदर एस्टिमेट नहीं करता, लेकिन ये चैलेंज इससे बड़ा नहीं है। एक मध्यान उठता है और उसने एक पूरा हिंदुस्तान का नक्शा चेंज कर दिया, वो तब क्या होता कि कौमें किसी मुल्क में आबाद होती है और फिर वहां पर कहां भी हो जाती है, स्पेन निकाले था आपके सामने, हिंदुस्तान में भी शायद मुआरख कलम लेकर उसी तारीख को लिखने की इंतजार कर रहे थे। लेकिन सत्य नमका जैसा एक शख्स उठा जिसने मुसलमानों की बीमारी की तशखीस की और तशखीस करके ये पता किया कि मुसलमानों की असल बीमारी क्या है। जब जिहाद मौजूद है, शौक शहादत का तबशार है, बड़ी तादाद में कुर्बानियां दे रहे हैं, फिर ये शिकस्त पाश क्यों? मुसलमानों को शायद मालूम नहीं था कि न सिर्फ ये कि जंग की तकनीक और आलात बदल चुके थे, बल्कि जंग का मैदान भी बदल चुका था। अब जंग सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती थी, वो तपंग और बंदूकों से और तोपों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती थी, अब तो आइडियाज की जंग थी। और उस आइडियाज की जंग में मुसलमान हार रहे थे और ये पूरी दुनिया का दुनिया था 19वीं सदी अगर आप देखें तो उस जमाने में जो चीजें सोची और उसके लिहाज से जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों को कन्विंस करने की कोशिश की। देखिए ये बड़ी अजीब सी बात है कि हम बाइनरी में सोचने के आदमी हो गए, ये बाइनरी बड़ी खतरनाक होती है कि एक तरफ हाथ लग गया एक तरफ बाकी लग गया, कि सरसैयद के खिलाफ जितने उलमा ने फतवा दिया सब बाकी पे थे, सरसैयद बिल्कुल हाथ पे थे, या सरसैयद जो है वो बाकी पे थे और तमाम उलमा हाथ पर थे। बाइनरी सिर्फ नहीं होती है, हकीकतें उससे बहुत अलग होती हैं और उससे बड़ी परतें होती हैं। तो उलमा और सरसैयद के बीच का मुआजना और मुकाबला मत खड़ा कीजिए। आप हालात एक तरफ रिवाइवलिस्ट टेंडेंसी थी, वो कह रहे थे गौ और पीछे की तरफ गर्दिश है याम तू, आप रिवाइवलिस्ट टेंडेंसी थी, रोजमा चाहते थे आप फिर से अपनी ग्लोरी को रिवाइव करें, सरसैयद भी वही चाहते थे। लेकिन सरसैयद का तरीका अलग था, दोनों के गोल में अपराध और मकासिद में कोई फर्क नहीं था, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। सरसैयद का मकाम भी वही चाहते थे और कौलमा भी वही चाहते थे। लेकिन जिस कौम से 600-700 साल हुकूमत के बाद पावर छीनी गई, छीना गया, जिससे पूरी ताकत छीन ली गई हो, जिसने ताजमहल और लाल किले की बुनियाद डाली हो, जिसने कुतुब मीनार की बुलंदियों पे अपने परचम लहराए हो, उस कौम को जो सड़कों पे घूमना थे और घूमना पड़े और उस कौम के सामने ये अलमिया हो कि खवातीन जो मैरात में थी, जो बड़े बड़े जमींदारों के घरों में वो बर्दाशी खवातीन, उन्हें सड़कों पर भी मांगते फिरना पड़े, तो आप अंदाजा लगाइए कि उनका रिएक्शन क्या होगा। नतीजे के तौर पर मुसलमान हर वो चीज जो बरतानवी थी, जिसका चाहे वो मॉडर्न एजुकेशन हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, हर चीज से वो दुश्मनी रखते थे और उसे नफरत करते थे। अकबर ने यहां तक कहा था, देखिए जो नियमतें जिन नियमतों का हमें वेलकम करना चाहिए उसके बारे में वो कहते हैं कि हर पढ़ना पड़ा है टाइप का, हर पढ़ना पड़ा है टाइप का, पानी पीना पड़ा है पाइप का। अकबर अलाबादी कह रहे हैं यानी उनको कुएं का तालाब का पानी पीना, नदी का पानी पीना ज्यादा अच्छा है अगर मानिए कि वाटर सप्लाई सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। आप जानते हैं सोशल साइंस में ये माना जाता है कि इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म मॉडर्नाइजेशन का एजेंट भी होता है, तो उसे मानने के लिए तैयार है। सर सैयद अहमद खान जब मुसलमानों को उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने मुठ्ठी भर अंग्रेजों को हिंदुस्तान पर कब्जा कर रखा है और सारे मार के वो जीत रहे हैं, तो उन्होंने वहां खुद इंग्लिस्तान जाकर देखना चाहा कि आखिर इस कामयाबी का राज क्या है। वो जब इंग्लिस्तान का रुख करते हैं तो अकबर अलाहाबादी फिर तंज कर रहे हैं, कहते हैं फिलारे शेर काबा को हम इंग्लिस्तान देखेंगे, वो देखें घर खुदा का, हम खुदा की शान देखेंगे।
तब्दीली के काम किया जाता है, तब्दीली जाकर के हिंदुस्तान में एडिशन और हिस्ट्री के आधार को देखते हैं, जिसमें अगर आप देखिएगा मोरल रिजुविनेशन जो हिंदुस्तान में होता है उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है, और फिर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को देखते हैं और सोचिए एक ऐसी कौम जो तबाह हो चुकी है जिसके पास कुछ नहीं बचा हुआ है उसका एक मतिया ये सोचता है कि ऐसे ही यूनिवर्सिटी जाकर के हमें अपने यहां कायम करनी है, ये दीवाने का हाल हो सकता है। इसलिए लोगों के पास देने के लिए चिंता भी नहीं, हालात बहुत बुरे हैं, सबसे ये लाते हैं और फिर मुसलमानों को कन्विंस करते हैं। एक रसाला जो रसाला तहजीबुल अखलाक, मैं समझता हूं कि सहाबा के लोग जानते हैं कि उसकी अहमियत क्या है, नष्ट चुबोते हैं मुसलमानों को, उनको चेहरा दिखाते हैं, आईने की तरफ पेश करते हैं रसाला तहजीबुल अखलाक और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये बुराइयां हैं, तुम्हारे अंदर ये अखलाकी कमजोरियां हैं, तुम सुपर स्टेशन और फर्सूदा हवायात में उलझे हुए हो, तुम्हारी तालीम जो मौजूदा तालीम है जो राय तालीम है वो मकदाए वक्त नहीं है। जाहिर सी बात है कि वो दर्द नदामी या मदरसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, अब उसके खिलाफ भी सरसैयद के खिलाफ बदामी लाने लगे और बहुत सारे लोग सरसैयद के मुखालिफ हो, लेकिन सरसैयद अमर खान उसे बर्दाश्त नहीं होते। और मलिक दादा मंजूर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, करिंदे कमजोर को साथी भी सदा देता है, मैं छलकती है तो महफिल से उठा देता है, और चारा अगर खूब समझता है कि दिन दफ्तों को कोई मरहर नहीं नष्ट ही छपा देता है, छपाने के लिए। और देखिए पहले वो बातें का ऐसा माहौल पैदा होता है, अब बहुत सारे रसाय और चराय फिर जारी हो जाते हैं, तकलीफ के बहाल करते हैं, एक इंकलाब बर्पा हो जाता है मुसलमानों के अंदर, उन्हें जो अपना चेहरा दिखाई देता है वो बताते हैं कि तुम कौन हो, तुम किसकी हिम्मत हो, तुम्हारा मकाम पास्ट में क्या रहा है। इमाम गजाली भी जो तसैयद है 100 पेज का मकाला लिखा है वो पढ़ने का आया था, वो बहस पढ़ी जो बदल में बहस करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं तसैयद मुसलमानों को, ये कॉलेज बनता है और अपनी यूनिवर्सिटी बनती है, पूरा सफर आपके सामने है। लेकिन सवाल ये होता है कि अगर ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो तसैयद अहमद खां के खाबों के काबिल, 1930 की यूनिवर्सिटी बनी 1951 में एक एक्ट आया, तो अधिक 1968 में जजमेंट आता है जिससे तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की राजनीति का लाभ छीन जाता है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक स्ट्रगल करते हैं, बहुत ही लॉन्ग स्ट्रगल, कि स्टूडेंट यूनियन अलीगढ़ की लीड करती है, लीडरशिप अलीगढ़ की होती है, और फिर आपने देखा कि 1981 का एक्ट आता है और 1981 के एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मीन्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मीन्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश बाय मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। अगर आपने स्टैब्लिश किया है तो आपको एडमिनिस्टर करने का अख्तियार है, सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो हमारे कलेक्टिव कॉन्शियंस और कलेक्टिव विजडम ऑफ द नेशन को रिप्रेजेंट करती है, उस कलेक्टिव कॉन्शियंस का यह फैसला है कि दिस इज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश बाय मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, इट मीन्स दैट वी हैव अ राइट टू एडमिनिस्टर। जैसे सेंट स्टीफंस को एडमिनिस्टर करने का ईसाइयों को, दूसरी एक अहम जिम्मेदारी उसी यूनिवर्सिटी को दी गई है, और ये स्पेशल है, ये अलीगढ़ का स्पेशल कैरेक्टर है जो किसी और यूनिवर्सिटी को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दी, उसी एक्ट और उसमें ये लिखा हुआ है 5C में जो 1981 का अमेंडमेंट एक्ट है उसमें, कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक एडिशनल जिम्मेदारी है और वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। स्पेशल जिम्मेदारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने ली, कल्चरल एंड एजुकेशन एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, और इसी बुनियाद पे हम बबा के तहर कहते हैं और किसी अलीगढ़ पे इसमें शर्म नहीं होनी चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों के जरिए कायम किया हुआ एक ऐसा इदारा है जिसके दरवाजे तमाम कौमों के लिए खुले हैं, और माइनॉरिटी कैरेक्टर सेंट स्टीफंस का जजमेंट जिन लोगों ने पढ़ा है वो जानते हैं कि उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका एम्बलम, उसका मोटो, उसका प्रेयर रूम, उसके बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ये बताता है कि ईसाइयों ने इसे कायम किया है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अगर आप देखिए तो 5 वक्त हर कसावती हॉल से अल्लाह होकर के सदा बुलंद होती है। आप एम्बलम और मोटो को देखिए, वहां की डिग्री पे, वहां के मोटो पे, वहां के एम्बलम पे, वहां के मोनोग्राम पे अल्लाह सारा मालूम ज्ञान कुरान की आयत से वो मुजैन है हमारे लिए। आप देखिए नहीं लिखा होता है उनके लिए, हमारे यहां शुरू से आज तक जब भी कोई प्रोग्राम का आगाज होता है तो तलावत इकराम बाद से होता है, इन तमाम चीजों की
सिंबॉलिक वैल्यू भी होती है और साथ ही साथ जो अलीगढ़ को इंटरेस्ट किया गया जो हक जो फर्ज दिया गया अलीगढ़ का जो फर्ज है कि कल्चरल एजुकेशन एडवांस होता है मुस्लिम समुदाय और यही वजह है कि थियोलॉजी भी पढ़ाई जाती है और कौन सी थियोलॉजी शिया थियोलॉजी और सुन्नी थियोलॉजी एक छत के नीचे हजारों बरसा मील का जो मुल्क है सीरिया और इराक वहां पे शिया सुन्नी एक साथ नहीं रह पा रहे हैं तकरीबन एक मस्जिद कायम की और उसी मस्जिद में शिया और सुन्नी एक मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं डिपार्टमेंट कायम किया और थियोलॉजी में एक ही छत के नीचे शिया थियोलॉजी भी पढ़ाई जाती है और सुन्नी थियोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। ये बैनाम है कि आप एक साथ शिरो शकर की तरह रहकर एक मुलजम और मजबूत कौम की हैसियत से जिंदा रहते हैं वरना आप देख रहे हैं कि पूरी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। सफीर अवस्था के बारे में देखिए जब उन्होंने ये मुहिम शुरू की थी नेशनलिस्ट कितने बड़े हैं अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले कि आगरा के दरबार में हिंदुस्तानियों के जैसे चेयर पीछे लगा दी गई थी तो बायकॉट के अंदर जिसमें उन्होंने खुद नवाजा जा रहा था अवार्ड उसका बायकॉट करके वापस चले आते हैं। बायकॉट की शुरुआत हिंदुस्तान में कतई अहमद खान ने किए बाद में जो तंजीमें बनाई जो आज एनजीओ देखते हैं और ऑर्गेनाइज जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी शुरुआत मुसलमानों में करने वाले कतई अहमद खान है वो पायनियर है और कतई अहमद खान पायनियर है जिसकी ग्लोबल रेलिवेंस है। मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात ग्लोबल रेलिवेंस है और वो ग्लोबल रेलिवेंस है किस चीज की इंटरफेयर अंडरस्टैंडिंग। सोचिए कि वो अंग्रेज जिन्हें मुसलमान ईसाई समझते थे अंग्रेजी इस्तेमालियत से ज्यादा ईसाई समझते थे और उस अंग्रेजी इस्तेमालियत के बाद मुसलमान किसी भी सूरत अंग्रेजों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे करते ये था बाइबल की कमेंट्री लिखते हैं 25 मकसद थे मकसद ये ईमान का सफरी था मकसद ये था कि अहले किताब के दरमियान जो ये मार्का आ रही है ये खत्म है और ये समझते हैं कि यहूदी मुसलमान ईसाई एक साथ मोहब्बत के साथ रह सकते हैं। आज इंटरफेथ डायलॉग इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग के सेंटर खोले जा पहली सिंसियर कोशिश अगर आप देखेंगे ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखें पहली सिंसियर कोशिश इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग की है तो वो भी सत्य अहमदा की तरफ से अब क्या हो रहा है आज की दुनिया में फॉर लाइन क्लाश की जा रही सिविलाइजेशन से बन जाती है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हंटिंगटन का सामने आ रहा है और हंटिंगटन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में एक एडवाइस करता है पॉलिटिकल एडवाइजर टू व्हाइट हाउस सिक्योरिटी एडवाइजर टू व्हाइट हाउस हंटिंगटन तो यह कहता है देयर कैन बी नो ट्रू थ्रेट्स विदाउट ट्रू एनिमीज बाइबल की कमेंट्री देख रहा है और बता रहे कि ईसाई हमारे दोस्त है वो कहता है डेट लेगून एक नॉवल है जिसे वो कोट करता हुआ एडवाइस कर रहा है ये You cannot love what you are unless you hate what you are not. You cannot love what you are unless you hate what you are not. सर्दी में अपना कौन सा तरीका अख्तियार करना है डाइनिंग हॉल लेके पहला सफर तो इसी बात का था कि डाइनिंग टेबल पर सर्दी में अपना खाना खा रहे थे डाइनिंग हॉल देखिए वहां का अंदाज देखिए रहने का अभी मैं आखिरी बात की तरफ आ रहा हूं कि मेरे ने यूथ पार्लियामेंट का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें यूनिवर्सिटी के जर्नलिस्ट आए थे उन्होंने मुझसे कहा कि आपके हमारे ये देखा है कि दो चीजों का बहुत इम्पैक्ट है एक तो वो जो ब्रिटिश कल्चर उसका बहुत इम्पैक्ट है और इस्लामिक कल्चर का बहुत इम्पैक्ट है। तो हमने ब्रिटिश कल्चर से आपने क्या मतलब है तो उन्होंने की जो चाय और जो ये खाने का जो तरीका है आपके यहाँ डाइनिंग हॉल और तमाम चीजें ब्रिटिश कल्चर का बहुत इम्पैक्ट है। अलीगढ़ को आमतौर पर जो लोग हैं वो कहते हैं कि इट्स अ कॉलोनियल प्रोजेक्ट और उसके मुकाबले में जानने वाले इस्लामियों को कहते हैं इट्स अ नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट। मैं इसको रिजेक्ट करता हूं इस इल्जाम को अलीगढ़ इज कॉलोनियल प्रोजेक्ट। अगर अलीगढ़ कॉलोनियल प्रोजेक्ट था सर तो जो मुकाबला था अंग्रेजों की झेली अपने जमाने में अपने जमाने इसी प्रोजेक्ट की वजह से वो भी हमें याद रखना चाहिए और फिर 1920 ईस्वी में किस शर्त के साथ ये यूनिवर्सिटी बनी है 30 लाख मुसलमानों ने उस जमाने में जमा किया था एक रुकी पिटी कौम ने असासा जमा किया था जिसमें तबाही को तक भी चंदा दिया कौम ने 30 लाख रुपया 1920 ईस्वी के आसपास जमा करके जो आज के दौर में हजारों करोड़ रुपए होते हैं जमा करके तब यूनिवर्सिटी का दर्जा लिया हमने कोई फेवर नहीं किया और मैं इसीलिए कहता हूं अभी सच्चे कमेटी का हवाला दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जब बात होती है तो हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान के मुसलमान
हरगनो जयरोहमन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और आज देखते सच्चे कमी तमाम नेगेटिव चीजों के साथ तमाम सोशल और रिलीजियस कम्युनिटी की डिस्टडी की गई, उसमें एक बात कही गई है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो सबसे बड़ी तादाद में मुसलमान है। आपको कोई टेबल नहीं मिलता, आपको लोन नहीं मिलता, उसके बावजूद पंक्चर बना करके उसके बावजूद होटल मैकेनिक बनकर सेल्फ एम्प्लॉयड होकर अपनी शराब मेंटेन करते हैं। सच्चे कमेटी की पॉजिटिव पहल की बात होगी, उसमें बहुत सारी और भी पॉजिटिव चीजें हैं, जाहिर सी बात है वो मौजूद नहीं है। और आखिरी बात के तौर पर अभी मैं कर्तव्य डे की तकलीफ के बाद मुझसे एक फैमिलिस्ट ने यह कहा कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये कराना है जिसमें कहा गया अभी कराना बढ़ा भी जाएगा आपके सामने, आखिरी बात है ये। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी देने बड़ी तादाद में ये बात आज कल फैमिलिस्ट मूवमेंट मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रहा है, जिसमें कहा गया कि उसमें कहा गया कि मेरा चरण है, मेरा चरण, मैं अपने चरण का बुलबुल हूं, मैं अपने चरण का बुलबुल हूं। मैं सोचने लगा और मैं आज आपके सामने जवाब पेश करता हूं जिसे आपको जरूर देना चाहिए कभी जवाब। ये बुलबुल जो लफ्ज है ये उर्दू शायरी में या उर्दू लिटरेचर में मोनस और मुजक्कर दोनों तौर पर सवाल होता है। मैं चमन में क्या गया, गोया गलिस्ता भूल गया, भूल भूले सुनकर मेरे नाले बदलखा हो गई। वाली कह रहे हैं, मीर कह रहे हैं जिनको बादशाह बदल कहा जाता है, तबद्दुल के लिए जाने जाते हैं। मीर कह रहे हैं कि बुलबार करे हरगा बाबे सफर शायद, गुंचे की तरह बुलबुल दिलगीर नजर आई, उनके लिए भी मोहल्ला सच। जफार कह रहे हैं कि टहनी पे किसी शजर की तरह बुलबुल था कोई उदास बैठा। लेकिन फिर बात ये भी तो कहना तारे कहा तो अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी भी दुनिया। तो अगर मजाक में, और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अलीगढ़ में बिगड़ने वाले भी जोश और मजाक बन जाते हैं। एक मशहूर जो जमाने में जिसे कहा था बदचलन शायर कहा जाता था, शराब के नशे में पड़े थे वो भी अब रामलला मजाक है, छोटे मोटे नहीं है। बात और याद रखिए जो मजाक दिए तराना लिखा कि उनके पास सुबह बनारस भी थी और शाम में अवध भी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने शाम में मित्र और शबे शिराज का जिक्र किया। ये पेश करता है कि अलीगढ़ का एक इंटरनेशनल कैरेक्टर है। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं, और भी फाजिल मुकर्रीन आपके सामने बैठे हुए हैं कि अय अलीगढ़ है जवा किस्मत कभी ताने पहन, अय अलीगढ़ है जवा किस्मत कभी ताने पहन, अय किशम है फिक्र से ताबिंदा तेरी अंजुमन, तेरे पैमानों में लड़ता है शराब इल्म फन, हश्र के दिन तक फला फूला रहे तेरा चमन, और मशरे मियां से रोशन तेरा मैं खाना रहे, रहती दुनिया तक तेरा गर्दिश में बना रहा है।